पिछले 4 वर्षों से कलात्मक रूप से विविध चित्र रथ बनाने के क्षेत्र में हम महाराष्ट्र की एकमात्र कंपनी है जो इस वर्ष 5 अलग अलग राज्यों के चित्र रथ को बनाया, जिसमें महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल शामिल है। कंपनी ने इसके लिए बेहतरीन कलाकारों और कुशल तंत्रज्ञों को नियुक्त किया था, ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान शुभ एड्स द्वारा दी गई है। शुभेट्स का निर्देशन नरेश चर्डे और पंकज इंगले, कला निर्देशक रोशन इंगोले और तुषार प्रधान और मूर्तिकार यशवंत और चामू ने किया है। मनोज बारपात्री और अरविंद नवरंग ने मैनेजमेंट का काम संभाला है। इसी उद्देश्य से राज्य की सांस्कृतिक विरासत को जीवन कर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पूरे देश के समक्ष प्रस्तुत करने का कार्यक्रम किया है। ज्यावेळेस 5 जागे के लिए, ज्यामध्ये महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम आणि अरुणाचल प्रदेश, त्यातल्या 2 जागींना 4 अवॉर्ड मिळाले आहे। मोस्ट पॉप्युलरचा अवॉर्ड मिळाला आहे आणि 2 ज्युरी अवॉर्ड मिळाला आहे, ज्यामध्ये उत्तर प्रदेशला ज्युरी अवॉर्डमध्ये महाराष्ट्राला 2nd नंबर आणि 3rd नंबर उत्तर प्रदेशला, मोस्ट पॉप्युलरमध्ये उत्तर प्रदेश 2nd आणि 3rd महाराष्ट्र। बस त्या संदर्भात आपण इथं जमलो आहोत। मंत्रालय दिल्ली म्हणजे DRDO यांच्यातर्फे हा सगळा कार्यक्रम रचण्यात येतो। त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाकडे म्हणजेच सांस्कृतिक कार्य संचालन विभागाकडे याची देखरेखीचा प्रश्न असतो। तर सर्वसाधारणपणे या विषयाची जेव्हा सुरुवात झाली त्यात अनेक विषय आपल्यासमोर होते, त्यात स्त्री शक्ती, मिलेट्स आणि राजश्री शाहू महाराज असे प्रमुख विषय आपल्यासमोर होते आणि वाद्य, त्यात संरक्षण मंत्रालयाचे करेक्शन्स आणि महाराष्ट्राच्या लोकांची पसंती अशा अनुषंगाने महाराष्ट्रातील 3.5 शक्तीपीठे अंडर स्त्री शक्ती हा विषय आपण संरक्षण मंत्रालयासमोर मांडला। उपरोक्त सभी राज्य सरकारों ने इस कार्य की प्रशंसा की है और हमसे अन्य राज्य सरकारों ने भी इस बारे में पूछा था। शुभ एड्स की टीम ने जनता के सामने भारत की सांस्कृतिक छवि को पेश करने के लिए कड़ी मेहनत की है। इस कार्य की हर स्तर पर सराहना हो रही है। इस वर्ष महाराष्ट्र चित्र रथ को द्वितीय पुरस्कार और उत्तर प्रदेश चित्र रथ को तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर।